वंदे मातरम। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों की गुलामी से। आज हम सोचते हैं तो क्या सोच पाते हैं उस दिन की, उस पल की एहसासों को, जो लोग वो दिन को, वो पल में ये आज़ादी का जो एहसास था, वो जो पल था, वो कैसे वो बिताए थे। हम आज सोचते हैं तो उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है जब स्कूल में जाया करती थी मैं, तो ये 15 अगस्त का दिन एक छुट्टी का दिन होता था। अच्छा लगता था, स्कूल में जाते थे सुबह सुबह और वो तिरंगा लहराते हुए देखना और सब मिलके साथ में वंदे मातरम का नारा लगाना और राष्ट्रीय संगीत सब मिलके गाना, बहुत अच्छा एहसास था, बहुत ही अच्छा। पर वो एहसास में सच में आज़ादी, स्वतंत्रता, ये शब्द के सच्चाई, इसका जो मतलब है सच्चाई में, उसका एहसास था शायद नहीं। पर हम बड़े होते गए और ये जो शब्द, ये शब्द के महत्व, वो धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ने लगा। हमारा भारतवर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी के अंधेरे में बिता दिए थे लगभग 200 साल। 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव ने पलासी का जंग जीते, तब से लेके 1947 तक 190 साल भारत माता बांधी रही गुलामी की श्रृंखलाओं में। भारत माता की वीर संतानों ने बार बार तोड़ना चाहा माँ की पैरों में बांधी हुई बेड़ियों को। कितनों ने दे दी अपनी जान। फिर आया वो दिन जिस दिन का था सबको इंतजार, 15 अगस्त 1947। हमारा देश आज़ाद हुआ, एक नया सूरज, एक नई उम्मीद, एक नया सफर और एक नया भारत। हमारा देश इतना सुंदर है, इतने लोग और इतने सारे रंग हैं इसमें। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश की कण कण में बसी हुई है कुदरत की खूबसूरती। देश के हर प्रांत में एक अलग सा रंग, फिर भी हम एक है। यहाँ सुबह होती है आजान की सुर में और मंदिरों की शंख ध्वनि में। ये देश हर एक धर्म से जुड़ी हुई है। ये देश आज़ाद है, देश की हर इंसान स्वतंत्र है। पर ये स्वतंत्रता क्या एक कागज़ में लिखी हुई बात है? नहीं, हमको स्वतंत्र बनना है, हमको आज़ाद बनना है। तो ये आज़ादी बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर से आती है। एक इंसान
वही स्वतंत्र है, आज़ाद है, जो अपने सोच से आज़ाद है, अपने विश्वास से आज़ाद है। तो आज के दिन से अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन हम अपने आप से एक शपथ कर सके कि आज से, इसी वक्त से, जो भी जकड़ी हुई बात है हमारे दिमाग में, हमारे विश्वास के अंदर, उसको हम तोड़ के आगे बढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। आइए आज की इस शुभ दिन में हम एक शपथ लेते हैं। हमारे मन के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, अपने नकारात्मक शक्तियों से जकड़ के रखते हैं, उन सब बेड़ियों को तोड़ के हम आगे बढ़ेंगे और आसमान को छुएंगे। और आज ये सुंदर दिन में मैं हर एक भारतवासी को, और वो हर एक इंसान जो दुनिया में कहीं पे भी बसे हुए हैं, उनको जो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं भारत से, मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि दिल से, दिमाग से हम अगर स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो ही हम आज़ाद हैं। और ये आज़ादी मिलना इतना भी कोई कठिन नहीं है। करना पड़ेगा कुछ एक अभ्यास जो हम हर दिन में कर सकते हैं, और अपने दिमाग को, अपने विश्वास को और एक अलग ही आज़ादी और स्वतंत्रता की तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। फिर से आप सबको आज के दिन के बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। वंदे मातरम।